हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महराज जर्नी। इस वक्त हम रिवाइल लिविंग रूट ब्रिज को एक्सप्लोर करने आए हैं। पूरा लिविंग रूट ब्रिज आपको एक्सप्लोर करवाने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले हम यहाँ लिविंग रूट ब्रिज की ओर जा ही रहे थे, तो हमें रास्ते में कुछ पाइनएप्पल के पौधे नज़र आ गए और इन पर पाइनएप्पल उग रहे हैं, तो इनके साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए हम यहाँ पर रुक गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पाइनएप्पल कितने सारे यहाँ पर लगे हुए हैं और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हमने पहली बार पाइनएप्पल्स को ऐसे पौधों पर लगे हुए देखा है। तो अब हम रिवाइल लिविंग रूट ब्रिज के पार्किंग लॉट तक पहुँच चुके हैं। गाड़ी हमने यहाँ पर पार्क कर दी है। पार्किंग चार्जेस हमने 50 रुपीज़ दिए हैं, जबकि एंट्री टिकट 40 रुपीज़ पर पर्सन हमें लगे। तो अब हम इन सीढ़ियों के थ्रू आगे लिविंग रूट ब्रिज तक जाएंगे। ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं, तो आपको यहाँ तक पहुँचने में कोई समस्या नहीं होगी। और रास्ते में आपको एक कुछ शॉप्स नज़र आएगी, तो अगर आप थक चुके हैं तो आप यहाँ पर पानी पी सकते हैं, पाइनएप्पल वगैरह खा सकते हैं। यहाँ का पाइनएप्पल काफ़ी टेस्टी होता है। तो फाइनली अब हम लिविंग रूट ब्रिज के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, ये लिविंग रूट ब्रिज है और यहाँ से नीचे पानी बहता हुआ बेहद आकर्षक और मनमोहक लग रहा है। मेघालय अगर आप आ रहे हैं और आपने अगर लिविंग रूट ब्रिज को नहीं देखा, तो आपकी कहीं ना कहीं मेघालय की ट्रिप अधूरी रह सकती है। अगर आपके पास पूरा दिन नहीं है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज को देखने का, जो कि चेरापूंजी में, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप यहाँ आ जाइए और रिवाई के लिविंग रूट ब्रिज को देखिए। यहाँ आना कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है और पूरा रिवाई लिविंग रूट ब्रिज और इसके आसपास के एरिया को आपको एक्सप्लोर करने में मुश्किल से 1 घंटा चाहिए। 1 आवर में आप अच्छे से इसे एक्सप्लोर कर लेंगे, जबकि डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज पर आप जाते हैं तो वहाँ आपको पूरा दिन चाहिए होता है। तो जब भी आप मेघालय आते हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप मावलिनोंग जब आ रहे हैं तो साथ साथ रिवाई लिविंग रूट ब्रिज को भी कवर कर सकते हैं। यकीन मानिए, यहाँ आकर के आपको बेहद अच्छा लगने वाला है। रिवाई लिविंग रूट ब्रिज आना काफ़ी आसान है। अगर आप डॉकी से आ रहे हैं तो इसकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर रहेगी और आपको यहां तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे तक का समय लग जाएगा। रिवाई लिविंग रूट ब्रिज मावलिनोंग विलेज से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, तो आपको यहां आने के लिए कोई अलग रूट पर नहीं जाना होगा। जब आप मावलिनोंग विलेज को देखने आएंगे तो यह भी रास्ते में ही रहेगा, तो इस तरह आपका अलग से टाइम कंज्यूम नहीं होगा। शिलोंग से रिवाई के बीच की दूरी लगभग 75 किलोमीटर पड़ती है और आपको यहाँ तक पहुँचने में लगभग 3 घंटे का समय लग जाएगा। तो शिलोंग से अगर आप आ रहे हैं तो पुलिस बाज़ार से आपको कैब या टैक्सी लगभग 3.5 से 5 हज़ार रुपये के चार्जेस पर मिल जाएगी। बाकी ये सीज़न पर भी डिपेंड करता है, रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप देख सकते हैं रिवाई लिविंग रूट ब्रिज के ठीक नीचे से ये बहता हुआ छोटा सा वाटरफॉल भी कितना आकर्षक लग रहा है। आप यहाँ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कई सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। गाइज, हमने रिवाई लिविंग रूट ब्रिज के पास ही एशिया के सबसे क्लीनेस्ट विलेज मावलिनोंग का वीडियो भी अपलोड किया है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।